नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ઝી 24 કલાક સમાચાર ગુજરાત સાથે હું છું ધરા। विधानसभा ने लोकसभा ने चूंटणी में उम्मीदवारों ने वोट माटे नोट वेचता होय तेवुं सांभळ्युं छे, परंतु वलसाड में तो बैंक की चूंटणी माटे पण रूपया वेचियानो वीडियो वायरल थयो छे। पारडी नी सरदार भिलाड़वाड़ा बैंक की चूंटणी माटे रूपया वेचियानो वीडियो सोशियल मीडिया वायरल थयो छे, जेमां पैसाना जोरे मत खरीद पेनलनो विजय बनावानो प्रयास हतो। मत खरीदवा माटे सभासदोए स्लीप साथे 500 रूपया आप्या, त्यारे बैंक की चूंटणी सत्ता मेळवा माटे वोट माटे नोटनो वीडियो हाल चर्चानुं केन्द्र बन्युं छे। आ वीडियो वायरल थयो छे। बैंक की चूंटणी में रूपयानी रेलमछेल बनी चर्चानुं केन्द्र, जो कि आ वात ने लईने एक वीडियो पण वायरल थयो छे। वलसाड में चूंटणी में रूपया वेचियानो वीडियो सोशियल मीडिया में वायरल थयो। पारडीनी सरदार भिलाड़वाड़ा बैंक की चूंटणी में रूपया वेचिया मत माटे रूपया वेचतो आ वीडियो वायरल थयो छे। पैसाना जोरे मत खरीदवानो वीडियो प्रयास करवामां आव्यो छे। आ वीडियो वायरल थता चर्चानो विषय छे। संवाददाता निलेश फोनलाइन पर। निलेश, वोट माटे रूपया वेचवामां आव्या आ वीडियो सामे आव्यो छे, शुं छे हकीकत, केटली तपास करवामां आवी? जी चोक्कस जणावी दो के वापी नी अंदर आ वीडियो जे छे वायरल थई रह्यो छे। सरदार भिलाड़ा बैंक नी अहीं आगळ आजे डिरेक्टर नी छुट्टी थई रही छे, त्यारे चूंटणी दरमियान अहीं आगळ एक टेबल पर स्लीप साथे 500 रूपया नी नोट आपता केमेरामां मोबाइलमां कैद थया छे। अने आ वीडियो जे छे वायु वेगे वापी अने पारडी अने वलसाड जिल्लामां वायु वेगे प्रसरी रह्यो छे ने लोकोमां एक अलग थी वात निकळी रही छे के आ भिलाड़ा बैंक जेवी संस्था छे तेमां पण पैसा आपीने आजे चूंटणी जीतवानी प्रक्रिया चाली रही छे, ते लोकोमां आश्चर्य થઈ રહ્યું છે। બિલકુલ થી નિલેશ, આભાર આપનો। सूरत में भूआ पड़ता अनोखो विरोध करवामां आव्यो छे। भूआनी आसपास रंगोली दोरी लोकोए व्यक्त कर्यो छे रोष। मोटावर आछाना नावड़ी सर्कल पासेनी घटना सामे आवी। अगाउ भूआना लीधे अकस्मातमां युवाननुं मृत्यु थयुं हतुं। चोमासा बाद पण केटलाक दिवसथी भूआ पड़ी रह्या छे। सीसी रोडमां भ्रष्टाचार थयानो लोको आक्षेप करी रह्या छे। तो भूओ पड्यो छे त्यारे अनोखी रीते लोकोए विरोध नोंधाव्यो छे। ज्यां भूओ पड्यो जे जग्या पर आ दृश्यो सामे आव्या छे। रंगोली बनावामां आवी अने लोकोए अनोखी रीते विरोध दाखव्यो छे। अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशन की चूंटणी लड़ी चूकेला कोंग्रेसना महिला उम्मीदवार कविता यादवे सासरिया पक्ष सामे नोंधावी छे फरियाद। कविता यादवे सासरिया विरुद्ध दहेजनी फरियाद नोंधावी छे। बापूनगर पोलीस स्टेशन में कविता यादवे फरियाद नोंधावी। कविता यादवे सासु जेठ नणंद અને નણંદના પતિ સહિત 5 લોકો સામે પોલીસમાં ફરિયાદ કરી છે। સાસરિયાઓએ કવિતાને ઘરમાંથી કાઢી મૂકી, ત્યારબાદ કવિતા પોતાના પતિ અને બાળક સાથે તેમના સાસરામાં બાપુનગરમાં આવેલી એક સ્કૂલમાં રહેવા જતી રહી। કવિતાએ આક્ષેપ કર્યો કે સાસરિયાવાળાઓએ તેના 2 વર્ષના બાળકને પણ મારવાનો પ્રયાસ કર્યો। પોલીસે આ મામલે વધારે તપાસ હાથ ધરી છે। કવિતા યાદવ ઠક્કર બાપાનગર વોર્ડમાંથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર હતા। जब से मेरी शादी हुई है तब से हैरान कर रहे हैं। मेरे जो ससुराल का घर है वहाँ से इन्होंने मुझे निकाल दिया था। मैं यहाँ पे आने लगी तो यहाँ पे आके मेरे को जान से मारने की धमकी कि तेरे बाप से पैसा लेके आया, यहाँ पे हमारे घर का खा रही है, तेरे बाप से ये लेके आया, तेरे बाप से वो लेके आया। इन्होंने अब तक मैं देती रही लेकिन अब मेरी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मेरे पापा सरकारी नौकरी में हैं। हम घर जमाई तो है नहीं जो लूट के लाएंगे, तो अब मेरी गुंजाइश नहीं है मेरे घर से कुछ भी लाने की, वरना ये कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। पहले भी इन्होंने मेरे को जान से मारने की कोशिश की, इनके ऊपर पहले से फरियाद हो रखी है इस चीज़ की। मेरे हस्बैंड को इन लोगों ने त्रास दे रखा है कि तेरे को प्रॉपर्टी में तब तक हिस्सा नहीं देंगे जब तक तू उस लड़की को नहीं छोड़ेगा। उनको मानसिक रूप से हैरान करते हैं। मेरे बच्चे को मेरे बच्चे को और मेरे को मारने के लिए आए तो मेरे पेरेंट्स मेरे को यहाँ से ले जाने के लिए आए, लेकिन मैं यहाँ शादी करके आई हूँ। अगर ये हर लड़की को ये लोग ऐसा करते रहेंगे तो हर लड़की कैसे सर्वाइव करेगी। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं मरने को तैयार हूँ लेकिन मैं मेरे ससुराल से नहीं जाऊँगी। इसलिए मैंने सिर्फ मेरा बच्चा सेफ रहे, जिंदा रहे, क्योंकि ये इस घर का वारिस ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जो घर जमाई है वो सारा का सारा ये सब प्रॉपर्टी का मामला है, प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं ये लोग। मैं यहाँ से चली जाऊँ या ये मेरे को यहाँ से जान से मार दे। और वो मेरे बच्चे को जान से इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि वो ये इस घर का वारिस बन गया है। वो चाहते ही नहीं इस घर का कोई भी वारिस रहे। उन्होंने मेरे ससुर जी को भी यही त्रास दे दे के मार डाला।
और अब ये मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैंने मेरे बच्चे को सेफ रखने के लिए मेरे मम्मी पापा के पास